तो स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 13.3 मेंसुरेशन से, और हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ये हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम अभी कोन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखो पिछली वीडियो के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक जो होते वो हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रेपेज़ियम 3 मीटर वाइड, यानी कि 3 मीटर चौड़ा एक त्रिपाल है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए बनाना है, जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज 6 मीटर। यानी कि एक शंक्वाकार तंबू बनाना है हमें, जिसकी आपकी रेडियस कितनी है 6 मीटर और हाइट कितनी है, हाइट आपको गिवन है 8 मीटर। हाइट कितनी है 8 मीटर। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू द स्टिचिंग मटेरियल इज वेस्ट इन कटिंग अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। यानी कि 20 सेंटीमीटर जो है, हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान दे लें कि हिंदी 20 सेंटीमीटर जो आपकी सिलाई और कटाई के अंदर जो है मटेरियल, यानी त्रिपाल का जो भी मटेरियल है, कैनवास जो भी चीज़ जिससे भी वो बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि ये जो आपको दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और बाकी की जो आपको डायमेंशन दे रखी है वो किसमें दी हुई है, मीटर में गिवन है। तो इसे आप मीटर में चेंज कर लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर इजकल टू कितने मीटर हो जाएंगे, 0.2 मीटर। तो ये हम यहां पे इसने हमने क्या करा, हमने इसे अपना मीटर के अंदर हमने चेंज कर लिया। अब यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें निकालना है कि हमारे जो रिक्वायर्ड जो आएगा टेंट को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी ये जैसे कि हमने कल वाले क्वेश्चन करे थे उसका क्या निकालना होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया, तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या होता है हमारा, क्या होगा इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाई आर एल। अब इसमें ध्यान दीजिए हमें एल की वैल्यू तो हमें दी हुई नहीं है, यानी सिलेंड्रिकल हाइट क्या है हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल हाइट निकालेंगे। सिलेंड्रिकल हाइट कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आप जब यूज करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस यानी हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर कर दो और प्लस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहां से हाइट कितनी थी आपकी 8 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट यहां से सिलेंड्रिकल हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, एल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10। अब देखिए हमें अपनी तीनों चीजें पता चल गई, एच आर और एल, हमें अपनी तीनों जो संख्याएं हैं जो नंबर हैं वो हमें पता। अब हमें क्या करना है, इसका पाई आर एल का यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेपेज़ियम क्लॉथ टू मेक अ कॉनिकल टेंट, यानी कि टेंट का बनाने के लिए जो हमें कपड़े की जो मटेरियल की आवश्यकता होगी वो किसके बराबर आएगी आपकी, पाई आर एल के बराबर। तो लगा दीजिए पाई की वैल्यू क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैसे तो पाई की वैल्यू 22.7 लिखते हैं बट इसके अंदर क्या करना है 3.14 रख देंगे। आर की वैल्यू, रेडियस क्या है हमारे 6, आर की वैल्यू क्या है 6 कर दीजिए और एल की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 10 6 कितना हो जाएगा 60। अब क्या करते हैं दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 188.4 मीटर स्क्वायर, 1 कितना हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो मटेरियल से जिससे हम अपना टेंट बनाएंगे तो उसे टोटल बनाने के लिए जिसका कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या किया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि उसे बनाने के लिए उसका बेस दे रखा है एज्यूम एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल। अब हमें निकालना क्या है कि हमें कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी उसे बनाने के लिए, तो उसकी क्योंकि हमें एल यानी जो हमें अपने जो कपड़ा जो चाहिए उसकी कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, देखो कप शेप में कपड़े की लेंथ इसी टाइप से आती है रेक्टेंगल में। अब हमें करना क्या है, यानी कि हमें इसकी अब चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, एल हमें फाइंड आउट करनी है, चौड़ाई हमें दी हुई है अपने क्वेश्चन में, चौड़ाई क्या है हमारे कपड़े की जो उसकी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी। अब देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सॉरी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर इस कपड़े की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 3 मीटर हो तो हमें बताना है कि कपड़े की लंबाई क्या होगी। कपड़े की लंबाई हमने मान ली जो हमें बनाने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड कपड़े की लंबाई कितनी है L।
अब एल के साथ में हमें दे रखा है कि कुछ जो है 20 सेंटीमीटर जो क्लॉथ जो है वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया, 0.2 मीटर हो गया, यानी कि ये क्लॉथ जो है वो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अब अगर हम इसे बेकार अगर हम करेंगे तो हमारे अब अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना जाएगा, एल जो लंबाई में से ये क्लॉथ जो है वो हमारा बेकार हो जाएगा, 0.2 मीटर मीटर में है, तो ये होगी एल इंटू क्या होती है, इंटू इसके साथ में क्या हो जाएगा, इंटू होती है बी। भाई इसका एरिया जब निकालेंगे एल इंटू बी होगा ना, तो बी क्या है हमारी 3। अब बी क्या है हमारी 3 है, और इसके बराबर ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया के इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारा, 188.4। अब यहां से स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, जब इसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहां से हम क्या करेंगे, एल माइनस 0.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 188.4 अपॉन क्या हो जाएगा 3। 3 से इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 62.8। सो एल इक्वल टू कितना होगा, एल माइनस 0.2 इक्वल टू कितना होगा 62.8। अब ये वैल्यू क्या है, माइनस की है तो दूसरी तरफ जाएगी, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एल इक्वल टू 0.68 और क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 इक्वल टू स्टूडेंट, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 63 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दे रखी है तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर के अंदर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल नहीं निकलवा रहे हैं, तो L की आ जाएगी 63 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी लेंथ हमें क्या आ गई है, 63 मीटर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, द सिलेंड्रिकल हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम आर 25 एंड 14 मीटर। यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गुंबद है कहीं का, किसी मकान के ऊपर का या कहीं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर का गुंबद है, जो ऊपर का गुंबद होता है उस वो क्या है, कॉनिकल शेप में है, यानी कि शंक्वाकार है। अब इसकी हमें क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल हाइट, सिलेंड्रिकल हाइट कितनी दे रखी है, 25। सिलेंड्रिकल हाइट क्या होती है, एल होती है, एल है हमें 25 दिया हुआ है, और हमें जो इसका डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर कितना है 14, यानी ये डायमीटर कितना है 14। तो अगर हम यहां से आर निकालेंगे तो डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो स्टूडेंट आर कितनी हो जाएगी, 7। आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 7 हो गई, आर इक्वल टू कितना हो गया, 7 मीटर में है तो मीटर, और एल की वैल्यू कितनी हो गई, एल है हमारी 25। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एट रेट क्या हमें दिया हुआ है, 210 यानी 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हमें वो उसकी कॉस्ट निकालनी है कि उसके कर्व सरफेस एरिया पर, यानी जो गोलाई वाला भाग है उसका, कॉनिकल शेप का, उस पे व्हाइट वॉश कराने का क्या खर्चा आएगा, अगर 210 रुपए लग रहे हैं हमारे 100 मीटर स्क्वायर के पुताई का खर्चा है। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे, हमें क्या निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या है CSA का, कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है भाई, पाई आर एल, यानी पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 22.7। तो क्वेश्चन में कितनी है, 22 अपॉन 7 अपॉन 7। आर की वैल्यू कितनी है, आर है हमारी 7, इंटू एल कितनी है 25, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया यहां से 22 इंटू 25। अब 22 की जब 25 में आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 25 इंटू 2 यानी 25 टू जा कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, जीरो हम कर लेते हैं, 0.5 कैरी हो गया, 25 टू जा 50 एंड 5 55, यानी कि आंसर कितना हो गया इसका, हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 550। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे, 550। ठीक है, अब हम इससे आगे क्या करना है, हमें अब हमें ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया, यानी हमें वो एरिया मिल गया जिसपे कि हमें व्हाइट वॉश करानी है, जिस पे कि हमें क्या करना है, व्हाइट वॉश करानी है। अब उसका रेट क्या दे रखा है, 210 मीटर पर 100 मीटर स्क्वायर का रेट है। तो यानी हमें उसकी कॉस्ट जो निकालनी है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कर्व सरफेस एरिया CSA इंटू क्या हो जाएगा, रेट कितना है, 210 अपॉन 100
अपॉन क्या हो जाएगा 100, यानी सीएसए कितना आ गया हमारा 550 इंटू रेट कितना है 210 अपॉन 100। तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 55 इंटू 21। अब 55 की जब आप 21 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1155। तो स्टूडेंट्स रेट क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 1155, यानी कि 1155 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी वाइट वॉश कराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, यानी कि एक जोकर की कैप है, तो स्टूडेंट उसकी भी शेप कैसी होती है आपकी, कोन शेप होती है। और यहां पर हमें क्या दिया है, कोन बेस रेडियस, बेस की रेडियस क्या दी हुई है हमें, रेडियस दी हुई है हमें 7, और हाइट गिवन है 24, हाइट क्या है हमारी 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक, यानी हमें निकालना है कि एक शीट को बनाने में कितना एरिया निकलेगा, और ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, बनाने के लिए रिक्वायर्ड कितनी जरूरत होगी वो क्या होता है आपका सीएसए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, एक का जाएगा, और ऐसी शीट कितनी बनानी है 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें पाई आर एल, क्योंकि रिक्वायर्ड टू कैप, रिक्वायर्ड टू शीट टू मेक ए कैप इजकल टू सी एस ए, तो स्टूडेंट सी एस ए क्या हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या है 7 है, और यहां से देखो सबसे पहले हमें एल की जरूरत है, और एल जो है वो हमारे पास है नहीं, एल जो है वो हमारे पास है नहीं, तो एल को हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इजकल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर और प्लस क्या होता है बेस स्क्वायर। एच हाइट कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बेस कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 सॉरी, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों का स्क्वायर कर दो 625 अंडर रूट 25। तो स्टूडेंट सिलेंड्रिकल हाइट कितनी आ गई हमारी 25। अब देखिए हमें अपनी सिलेंड्रिकल हाइट पता चल गई, यानी एल की वैल्यू हो गई, एच की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू भी है, अब हमें अपने तीनों वैल्यू पता चल गई, अब हमें निकालना क्या है सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो इस एल की जगह क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल हाइट रख देंगे, कितनी है एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 इंटू 25 करा कितना हो गया 550। एक शीट बनाने के लिए जो कर्व सरफेस एरिया, यानी एक कैप बनाने के लिए शीट की कितनी जरूरत है 550 मीटर में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास में। अब ऐसी शीट कितनी बनानी है 10 सॉरी ऐसी कितनी कैप बनानी है 10 कैप बनानी है, तो 10 कैप के लिए क्या आ जाएगा टू रिक्वायर्ड शीट टू मेक 10 कैप्स, 10 कैप बनाने के लिए क्या हो जाएगा एक का एरिया यानी सी एस ए ऑफ 1 कैप इंटू 10, तो कितना आया है सी एस ए 550 इंटू 10 इजकल टू कितना होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी शीट की आवश्यकता होगी, कितनी 5500।